हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा। एसी करंट की डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, डीसी करंट की एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, इसकी डायरेक्शन कभी नहीं बदलती है। एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है जो कि शो करती है कि करंट की डायरेक्शन कितने बार चेंज हुई। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। एसी का पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में होता है, नॉर्मली ये 0.8 होता है। डीसी में पावर फैक्टर कांस्टेंट होता है, ये 0 होता है। एसी को अल्टरनेटर द्वारा जनरेट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। डीसी को जनरेटर, बैटरी, फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा जनरेट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। एसी का लोड रजिस्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें तीनों में। डीसी में हमेशा रजिस्टिव लोड ही कनेक्ट करते हैं। ग्राफ पर एसी की वेव फॉर्म साइन वेव होती है या स्क्वायर वेव होगी या ट्रायंगुलर वेव होगी। और डीसी ग्राफ पर डीसी की वेव फॉर्म कांस्टेंट लाइन होती है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है, जबकि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर की आवश्यकता होती है। एसी का प्रयोग अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में, एसी में, फ्रीज़र में, कूलर में, वॉशिंग मशीन में, लाइट्स में, फैंस में, ईटीसी में होता है। डीसी का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, क्लॉक्स में, सेल फोन्स में, मोबाइल्स में, कैमरा में, सेंसर्स ईटीसी में होता है। एसी को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करने पर लाइन लॉस अधिक होता है। अधिक दूरी ट्रांसमिट करने में इसमें लाइन लॉस अधिक हो जाता है, जबकि हाई वोल्टेज डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करने पर लाइन लॉस बहुत कम होता है। ये फ्रेंड्स मेन मेन रीज़न है, डिफरेंसेस हैं एसी और डीसी के बीच में।